इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धोनी 2019 वर्ल्ड कप खेले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हैमिल्टन में खेले गए तीसरे और फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 रन से मात दी। कांटे के इस मुकाबले में टीम इंडिया को हराते ही न्यूजीलैंड ने 3 T20 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दिनेश कार्तिक 16 और कृणाल पांड्या 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इसके पहले भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में शिखर धवन 5 के रूप में पहला झटका खाया। धवन का एक बेहतरीन कैच स्पिनर मिचेल सेंटनर की गेंद पर डेरिल ने लपका। इसके बाद नए बल्लेबाज विजय शंकर ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को पहले संभाला, फिर तेज गति के साथ रन बनाना शुरू किया। रन रेट बढ़ाने के चक्कर में विजय सेंटनर की गेंद में ग्रे एंड होम द्वारा लपके गए। आउट होने से पहले उन्होंने 28 गेंदों में 43 रन 5 चौके 2 छक्के बनाए। सेंटनर के आउट होने के बाद क्रीज पर युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। पंत ने आते ही कीवी गेंदबाजों पर हमला कर दिया। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। पंत टिकनर की फुल टॉस गेंद पर अपना कैच मिड विकेट पर खड़े विलियमसन को दे बैठे। पंत के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी का मुख्य स्तंभ कप्तान रोहित शर्मा भी 38 रन के स्कोर पर मैदान छोड़ गए। पारी में 3 चौके लगाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा मिशेल की गेंद पर बल्ले का किनारा लगा बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर सीफ हर्ट के दस्तानों में चली गई। इसी के साथ भारत के 4th विकेट का पतन हुआ। इसके बाद 6 छक्के से पारी का आगाज करने वाली हार्दिक पांड्या भी इस जंग को बहुत देर तक जारी नहीं रख सके। पांड्या सिर्फ 11 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हो गए। कलीजन ने विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाया। पांड्या के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी भी सिर्फ 2 रन बनाकर मिशेल का शिकार हो गए। मिशेल की गेंद पर टिम साउदी ने लॉन्ग ऑन पर उनका कैच पकड़ा। इसके पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। डेरिल मिचेल 19 और अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। इनके अलावा कॉलिन मुनरो ने सर्वाधिक 72 रन बनाए। दूसरी ओर लगभग सभी भारतीय बल्लेबाज आज महंगे ही साबित हुए, लेकिन कुलदीप यादव 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 विकेट लेते हुए सबसे किफायती रहे। खलील अहमद भुवनेश्वर कुमार को 1 से 1 विकेट मिला। न्यूजीलैंड की धमाकेदार बल्लेबाजी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। मेजबान टीम को पहला झटका 80 के कुल स्कोर पर लगा। पारी की शुरुआत टीम सीफ हर्ट और कॉलिन मुनरो ने की। दोनों शतकीय साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे, तभी 8वें ओवर की 4th गेंद पर कुलदीप यादव ने यह साझेदारी तोड़ी। विकेट के पीछे धोनी ने जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए सीफ हर्ट की गिलियां बिखेर दी। सीफ हर्ट ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। पहला विकेट गिरने के बावजूद कॉलिन मुनरो ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। बिना किसी दबाव के खेलते हुए उन्होंने 40 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के भी निकले। उन्हें भी कुलदीप यादव ने हार्दिक पांड्या के हाथों लपकवाया। अगले ही ओवर में कप्तान केन विलियमसन के रूप में न्यूजीलैंड को तीसरा और करारा झटका लगा। 20 गेंदों में 27 रन बना। चूंकि विलियमसन अब रन गति बढ़ाना चाहते थे, तभी खलील अहमद ने उन्हें कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाया। 150 के स्कोर में तीसरा विकेट गिरने के बाद कॉलिन डी ग्रैंडहोम और नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने आतिशी शॉट खेलने शुरू किए। दोनों के बीच 4th विकेट के लिए 22 गेंदों पर 43 रन की तेज साझेदारी हुई 18.2 ओवर्स में। जब टीम का स्कोर 193 रन पहुंच चुका था, तब ग्रैंडहोम 16 गेंदों में 30 रन बनाकर भुवी की एक जबरदस्त गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए। इसके पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। फाइनल मुकाबले के लिए रोहित ने युजवेंद्र चहल की जगह चाइना मैन कुलदीप यादव को पहली बार T20 सीरीज में मौका दिया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने भी लॉकी फर्ग्यूसन की जगह ब्लेयर टिकनर के रूप में एक बदलाव किया है। मौजूदा सत्र में सफलता के कई झंडे गाड़ने वाली भारतीय क्रिकेट टीम यह T20 सीरीज जीतकर विदेशी सरजमी पर एक और नई इबारत लिखना चाहेगी। दोनों टीम इस प्रकार है: भारत, रोहित शर्मा कप्तान, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, न्यूजीलैंड टीम सीफर्ट, कॉलिन मुनरो, केन विलियमसन,
कप्तान डेरिल मिचेल, रॉस टेलर, जेम्स नीशाम, कॉलिन डे ग्रैंडहोम, मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, ब्लेयर टिकनाय।